हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम करेंगे ऋषि प्रणाली का पार्ट 23 और शब्द चिन्ह का 6। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं इसके 5 से पार्ट और करा चुका हूँ। शब्द चिन्ह आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व है इनका। अगर आपको अपनी अच्छी स्पीड बनानी है तो आपको इनको याद करना, इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर ये याद हो गए तो आप अपनी स्पीड को अच्छा कर सकते हैं, शॉर्ट हैंड की स्पीड को, लिखने की स्पीड को। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं शब्द चिन्ह नंबर 1 से। जैसे कि अगर अगर आता है तो हम पूरा ना लिख कर इसका ये शब्द चिन्ह है लाइन से ऊपर। अगर बगैर बगैर मगर का इनका एक ही शब्द चिन्ह है, पर इनको पढ़ेंगे कैसे, हम वाक्य के हिसाब से पढ़ लेंगे, मुहावरे के हिसाब से, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ। और आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इस वीडियो का, तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, अंग्रेज या अनुस्वर लगा दिया, पर ये फिर भी शब्द चिन्ह नहीं रहेगा। अंग्रेजी, ऐसे दो नोट द लाइन अप द लाइन है, पर ये अंग्रेजी में थोड़ा सा ये काट देंगे हम, डैश है ना। और ऐसे ही, और फिर या जैसे कि या यथा यथार्थ काम यह बनाएंगे बस, अप द लाइन बनाएंगे यह। और अगला है, नेक्स्ट है जैसे कि यथेष्ट और यानी का एक ही शब्द चिन्ह है, पर इसको हम द लाइन यह की आउटलाइन बनाएंगे। युद्ध युवक, इसके लिए कट द लाइन। क्यों के लिए हम ये अप द लाइन। किन किंतु कठिन का एक ही शब्द चिन्ह है इनका भी, है टच द लाइन। थोड़ा बड़ा बन गया, पर आप इसको ऐसे ऐसे बना सकते हो। अब है नेक्स्ट है चौड़ा, चौड़े के लिए हम लाइट लाइन चेक का और डैश। फिर है ऊंचे, छ और डैश, टच द लाइन, अप द लाइन। बीच, कट द लाइन। ये आपको एक बात का और ध्यान रखना, जैसे कि मगर में हमने डायरेक्ट बनाई है ना, तो और ऊंचे बीच में लाइट, जो हल्के स्ट्रोक बनते हैं, व्यंजन रेखा बनती है, उनको हल्का ही लिखना, और जो गहरे लिखती है उनको गहरा ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पार, अप द लाइन, डैश, पर सो, टच द लाइन, पूरा, कट द लाइन, परस्पर, ऐसे। ये मैं आपको करा चुका हूँ सह वाले में, जिसमें सह सव और रह लव के कुछ और प्रयोग थे उसमें। यथार्थ में हम रह बनाएंगे ऊपर से नीचे वाला। जब जैसे कि या यथार्थ यथा, ये लिख तो दिया था हमने, पर इसमें थोड़ा कटिंग हो गई थी, तो मैंने इसको फिर से लिख रहा हूँ, इसीलिए ये अप द लाइन है, तो इसका लाइन से कोई वो नहीं, इसीलिए कि आपको हल्की सी भी कोई मिस्टेक ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। अतिरिक्त, जैसे कि ये बनाया था वैसे ही ये टच द लाइन। और ये स्ट्रोक
व्यंजन में रेखाएं थोड़ी बड़ी इसलिए बनाता हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाई दे और अच्छे से समझ में आए। आपको ज़रूरी नहीं इसको ओरिजिनल में भी आप इतना ही बड़ा लिखो, आप इसको इतने से काम चल जाएगा आपका, है ना, अगर आप जब अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करोगे। पर ये मैं आपको वीडियो समझाने के लिए इतने बड़े बड़े अक्षर बनाता हूँ। जैसे कि उदाहरण, अगर मैं ऐसे बनाऊँगा तो बहुत बच्चों को दिखाई भी नहीं देगा, क्योंकि हम शॉर्ट हैंड करके आँखें कमज़ोर भी हो जाती है, और वीडियो में और ओरिजिनल में फ़र्क होता है ना, तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बड़े बड़े बना रहा हूँ। वही है बगैर, वगैरह, मगर, ऐसे। ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक लग रहा था ना, वगैरह वगैरह का। और एक बात और दोस्तों, मैं ये लिखता था ना कि 1930, 75, 50 जो भी है, वे ऐसे लिखता था। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19, और फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। मतलब कि 19 तो ये है रेखाएं, है ना, या फिर कह लो चिन्ह, 19 चिन्ह है, 27 शब्द है, ठीक है ना, ये मतलब होता है इनका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी आपको किसी वीडियो में डाउट है अगली पिछली, तो आप बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।